हाय गाइस, आज अपन देखने वाले हैं डिजाइन एफएसएम टू एक्सेप्ट डेसिमल नंबर डिविजिबल बाय 3। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 10 मार्क्स के लिए, जो कि बहुत इजी है। तो अपन स्टेप वन देखेंगे। स्टेप वन में क्या रहता है, अभी इधर डिविजिबल बाय 3 बोला है अपने को, तो अपन स्टेप इसका 3 लेंगे, मतलब 0, 1 और 2। मतलब 3 बोला है ना, तो अपन 0, 1, 2 तक लेंगे। अगर 4 बोला रहेगा तो 3 तक लेते थे, तो फिर इधर 0, 1 और 2। और अपन इधर स्टेट दिखाएंगे इसका, Q0, Q1 और Q2। तो फिर अभी Q0 जो है वो क्यू को 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर अपन इसके हम लिखेंगे रिप्रेजेंट रिमाइंडर 0, रिप्रेजेंट रिमाइंडर 1, रिप्रेजेंट रिमाइंडर 2। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में जो है, सेकंड स्टेप सबके लिए कॉमन रहता है, कौन सा भी अगर डिविजिबल बाय 4 रहा, 5 रहा, कौन सा भी रहा, तो फिर इसमें स्टेप 2 सबके लिए कॉमन रहेगा। स्टेप 2 में आता है फॉर्मल नोटेशन, फॉर्मल नोटेशन। यहाँ पे अपने को पास्ट ये लिखना पड़ता है, जैसे कि क्यू समेशन सिग्मा Q0 एंड एफ। एफ मीन्स फाइनल स्टेट। तो फिर क्यू में अपन क्या लिखेंगे, जो अपना स्टेट्स है जितने भी, वो सब लिखेंगे, मतलब Q0, Q1 और Q2। और सिग्मा में समेशन में अपन लिखेंगे जो डेसिमल नंबर अपने को बोला है। डेसिमल नंबर मतलब 1 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हो गया। इसके बाद सिग्मा जो है, सिग्मा में अपन स्टेप्स लिखते हैं, तो अपने कितना स्टेप्स यूज किया, 1, 2, 3, 3 स्टेप्स। तो अपन इधर लिखेंगे स्टेप, ये बाहर स्टेप 3, और ये जो है वो स्टार्टिंग स्टेट है। अभी स्टार्टिंग स्टेट तो अपना ये रहेगा, Q0 से ही स्टार्ट होएगा ना, तो फिर Q0 लिखेंगे सिर्फ। और फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट मतलब अभी डिविजिबल बाय 3 बोला है, तो 0 0 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 0 0 ही होता है, तो फिर 0, तो फिर 0 कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, Q0 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर Q0 ही लिखेंगे इसमें भी। तो ये हो गया अपना स्टेप 1 और स्टेप 2। आते अभी स्टेप 3 पे। इसमें अपने को एक टेबल बनाना पड़ता है, ट्रांजिशन फंक्शन। यहाँ पे अपन स्टेट्स दिखाएंगे और यहाँ पे नंबर्स डालेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में अभी स्टेट्स कौन सा अपन ने लिया था, यहाँ पे Q0, Q1 और Q2 ना, फिर Q0, Q1 और Q2 ये लिया। ये अपना स्टार्टिंग स्टेट है, इसलिए अपन ने इसको ये दिखाया एरो, और फाइनल भी है तो फिर इधर स्टार भी दिखाया। हो गया। इसके बाद अभी दिखाने के अपने को रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2। अभी रिमाइंडर 2 में इसमें क्या क्या आता है, रिमाइंडर 0 में कौन कौन आता है, तो वो अपन देखेंगे। अभी बहुत इजी है इसका, एकदम इजी तरीका आपको बताता हूँ। अभी 0, 1, 2 और अपने को लेने का कितना, 0 से 9 तक लेने का है, राइट। तो फिर इसके बाद क्या करने का, 2 के बाद क्या आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर ये जो है वो Q0 में आएगा, ये Q1 में आएगा और ये Q2 में आएगा। तो फिर रिमाइंडर 0 में क्या आएगा, 9, 6, 3, 0, 9, 6, 3, 3, 0। हो गया। इसके बाद Q1 में क्या आएगा, 7, 4, 1, 7, 4, 1, और रिमाइंडर 2 में 8, 5, 2। ओके। अभी इसमें क्या करने का, Q0 जो है वो क्या था, मतलब 0 था ना, 0, 1, 2। तो अभी इसमें इधर कौन सा स्टेट आएगा, ये अपन कैसे डिसाइड करेंगे। अभी स्टार्टिंग में 0 लेंगे इसका, 0, और इसमें से कौन सा भी ले सकते हैं। अभी 3 लेते हैं अपन, 3 और डिवाइड बाय 3, तो फिर क्या आएगा,
जीरो आएगा, और जीरो जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, क्यू जीरो, तो क्यू जीरो आएगा इधर। इसमें भी सेम लेंगे, पहला लेंगे जीरो और फोर डिवाइड बाय थ्री, तो फिर इसका कितना आएगा, थ्री वन जा थ्री वन बचा, इसका जीरो और फाइव लिया फिर थ्री, थ्री वन जा थ्री दो बचा, तो वन जो है वन क्या है, क्यू वन है, तो क्यू वन लेंगे, टू क्या क्या था, क्यू टू, क्यू टू लेंगे, उसके बाद इधर वन है, वन और जीरो, वन जीरो डिवाइड बाय थ्री, थ्री थ्री जा नाइन वन बचा, वन का क्यू वन लेंगे, और इधर वन और वन वन लिया, थ्री 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 जा नाइन टू बचा दो, और इधर क्यू जीरो आएगा डायरेक्ट, इधर क्यू टू है, इधर टू और जीरो, टू जीरो राइट, टू जीरो डिवाइड बाय थ्री, 20 डिवाइड बाय 3, 3 सिक्स 18, 2 बचा, और इधर क्या लेंगे, 2 और 1, 2 1 डिवाइड बाय 3, 3 सेवन 21, तो फिर 0 बचेगा, फिर इधर क्यू 0, क्यू 2, यहाँ पे क्यू 1 आ जाएगा। ये हो गया अपना स्टेप 3, अभी स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना पड़ता है, जो कि बहुत इजी है। इसमें अपन तीन स्टेप लेंगे, अपना क्यू वन, क्यू जीरो, क्यू वन और क्यू टू, क्यू जीरो, क्यू वन और क्यू टू, और इसमें ये फाइनल स्टेट है, तो फिर इसको डबल सर्कल और स्टार्टिंग स्टेट भी था, तो फिर इसको एरो भी दिखा हुआ। अभी इसमें क्या करना है, अभी क्यू जीरो पहला कौन सा जा रहा है, क्यू जीरो से लेके क्यू जीरो तक ही जा रहा है, तो फिर इसको अपन एरो दिखाएंगे, और रिमाइंडर जीरो मतलब 9630, 9630, उसके बाद क्यू जीरो से और कौन सा जा रहा है, क्यू जीरो से क्यू वन पे जा रहा है, 741, क्यू वन 741, ओके। इसके बाद क्यू जीरो से क्यू टू पे जा रहा है, 852, क्यू जीरो से क्यू टू पे 852, 852 ये कर ली ब्रैकेट्स हो गया। इसके बाद क्यू वन, क्यू वन से क्यू वन पे जा रहा है, 9630, क्यू वन से क्यू वन पे 9630, इसके बाद क्यू वन से क्यू टू पे 4741, 741, उसके बाद क्यू वन से क्यू जीरो पे 852, 852, इसके बाद क्यू टू, क्यू टू से क्यू टू पे 9630, 9630, इसके बाद क्यू टू से क्यू जीरो पे 741, 741, और इसके बाद क्यू टू से क्यू वन पे 852, 852, ये हो गया आपका 10 मार्क्स का सम।